2, 1। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की, जो कि काउंसलिंग डेट्स है वो निकल चुकी हैं और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको किस किस पर्टिकुलर डेट्स पर काउंसलिंग के लिए जाना है, अवेलेबल होना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और किस डेट पर उनको स्कूल में जाकर के अपना एडमिशन करवाना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और इसके अलावा हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे स्कूल के साथ, हमारी कंपनी के साथ ग्रो करना चाहते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी हमारे साथ ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ज़रूर एक बार हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 888-30-20-201 पे कॉल करें और आप भी हमारे साथ आगे बढ़ें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे साथ डोनेट कीजिए, हैं हमारी हेल्प कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं तो जिस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से ठीक हम आपको भी आगे लेकर चलेंगे और इसी तरीके से इस इन्वेस्टमेंट के साथ आप भी ग्रो करोगे, हम भी ग्रो करेंगे और इसका जो फ़ायदा है डायरेक्टली जो है, जो हमारे रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जो फार्मर्स के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं, जो बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सारे रूरल एरिया से हैं, गाँव से हैं, बहुत ही छोटे छोटे शहरों से, बहुत ही यूपी से, बिहार से, गुजरात, राजस्थान, नेपाल, भूटान, बहुत लोअर एरिया से बच्चे आ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे आगे बढ़ें और इनको आगे बढ़ाने में आप भी सहयोग कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, इन्वेस्ट कीजिए और आपको इस इन्वेस्टमेंट का डायरेक्टली जो फ़ायदा है वो आपको भी मिलेगा, इन बच्चों को भी मिलेगा और हम भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और इसीलिए ये यूट्यूब चैनल जो है हमारा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जो हमारा स्कूल है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करूँगा कि इस वीडियो में डायरेक्टली मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग काउंसलिंग डेट्स जानना चाहते हैं तो सिक्स क्लास की जो काउंसलिंग डेट है वो 21 जून को है और आपको सवेरे 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, ये डेट्स दोनों के लिए है और दोनों के लिए सेम टाइम है। और जो लोकेशन है बॉयज़ के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल है कमाक्ष में और गर्ल्स के लिए सिंपल है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है, जो कि दोनों बहुत ही पास हैं और दोनों में सिर्फ फीस का थोड़ा सा अंतर है। बॉयज़ के लिए जो फीस है वो 5,000 है और गर्ल्स के लिए जो फीस है वो 4,500 रुपये यानी 4,500 रुपीज़ है। ठीक है, ऐसे अगर मैं 9th क्लास की बात करूँ तो 22 तारीख को 9th क्लास के वो बच्चे जिनकी कट ऑफ क्लियर होगी, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो जाइए अपनी काउंसलिंग करवाइए 8 बजे से लेके 12 बजे तक। आपको 4 घंटे का समय दिया जा रहा है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी जाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले और ताकि आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, सेलेक्ट होना ना होना एक बात की बात है, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो हमारे इंडिया में एजुकेशन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है और इसके आपको जाना कहाँ है। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में 5,000 रुपीज़ ले करके, यानी आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, ये जो आपकी एक साल की जो फीस है ये आपको वहाँ पे जमा करानी है और एक हफ्ते के भीतर आपको अपना TC जो है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है, वो जमा कराना है। अगर आप एक हफ्ते के भीतर अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं जमा करा पाते हो तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा और किसी और बच्चे को जिनको वेटिंग लिस्ट में नाम डाला गया है उनको एडमिशन ले लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग 11th क्लास में हैं और मैथ्स ग्रुप के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 24 तारीख को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल जाना है और अगर आप लड़की हो, गर्ल हो, तो आपको सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में जाना है। बॉयज़ के लिए 5,000 फीस है और गर्ल्स के लिए 4,500 रुपये फीस है। तो ऐसे अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की तो 25 तारीख को 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको स्कूल में अवेलेबल होना है, जाना है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में 5,000 रुपये लेकर के, और अगर आप लड़की हो तो आपको गर्ल्स स्कूल में 4,500 रुपये लेकर के जाना है। सेम ऐसे ही आर्ट्स और कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें तो आर्ट्स और कॉमर्स के लिए जो एक ही डेट डिसाइड की गई है 26 तारीख, एंड दिस इज़ द लास्ट एडमिशन डेट, जिसमें आपको 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जाके अपना एडमिशन करवाना है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में, 5,000 रुपये लेकर के जाना है। और अगर आप गर्ल हो तो आपको 26 तारीख को सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में 4,500 रुपये लेकर के जाना है। और जो ये पेड सीट का जो प्रोसेस है 27 तारीख को, दिस इज़ द लास्ट एडमिशन डेट, कि कोई भी बच्चा चाहे वो 6th, 9th, 11th, चाहे वो मैथ्स, बायो या कॉमर्स और आर्ट्स का है, ये पेड सीट उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए हुए हैं
लेकिन उनके एक दो नंबर कम रह गए हैं, तो वो जा करके पता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं वहां पे। लाइक जैसे कट ऑफ है 79 और आपके सिर्फ और सिर्फ जो नंबर आए हैं वो 78 या 76 आए हैं, तो ऐसे बच्चे पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, मिल सकते हैं और पेड सीट का जो पूरा प्रोसेस है वो समझ सकते हैं। और बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए पेड सीट में आपको 27 तारीख को सवेरे 8 से 12 बजे के बीच में जाना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पेड सीट के लिए आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में जाना है, 5,000 रुपये के साथ आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने हैं। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं और जिनके जो कट ऑफ नंबर है वो 1, 2, 3 नंबर से चूक गए हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। तो मैं आपको बता दूं, और वो बच्चे जो कि कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, चाहे वो लड़के चाहे लड़कियां, दोनों के लिए 3,000 रुपये आपको 11th क्लास में अलग से जमा करवाने होंगे। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो 11th में, जो कि एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है और जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, आप जरूर कंप्यूटर साइंस लीजिए, क्योंकि आगे जो है आप साइंस की पढ़ाई करेंगे तो आपको ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये आपको आगे हर जगह पे हेल्प करेगा, आपको हर स्टेप पे मदद करेगा। और इसके जितने भी पार्ट्स हैं, C++, ठीक है जी, इसमें जो आपका क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इसमें पूरा जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है दोस्तों, वो आगे चल के आपको साइंस की पढ़ाई में आपको हेल्प करता है, मदद करता है। तो चाहे आगे चल के आप BSc करें, चाहे आप B.Tech करें, चाहे आप बायोटेक करें, आपको हर में काम आता है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप, आई स्पेशली रिकमेंड यू कि आप जरूर जो है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लें। 3,000 रुपये अलग से लग रहे हैं लेकिन आप जरूर लें, इसका फायदा आपको बहुत मिलेगा आगे चल के। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जरूर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसका आपको बहुत बड़ा लॉस ये होता है कि जो मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं, और आपको पता ही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा जो भी आप चैनल, जो भी आप वीडियो खोलते हैं तो उसके नीचे जैसे यहाँ नमस्कार पे ऑप्शन दोस्तों, आता है मेरा नाम सब्सक्राइब विजय का, विनर तो राय जैसे है ही और आप आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाएंगे दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो खोलता हूँ, सपोज कीजिए मैं ये वीडियो खोलता हूँ, तो आप, मैं कोई भी वीडियो खोलता हूँ दोस्तों, उसके नीचे देखिए एक सब्सक्राइब का बटन है। तो जिन चैनल्स को मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे जाकर के ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सब्सक्राइब का ऑप्शन, देखिए जैसे ही मैं इसको सब्सक्राइब कर लूंगा, और देखिए ये मैं बेल आइकन को भी मैं दबा देता हूँ, क्यों? क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन मुझे आती रहती है। तो मैंने आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भी सिखा दिया है, क्योंकि मेरे जो जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो बहुत सारे जो लोग हैं, वो काफी सारे जो ऐसे लोग हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो कई बार मैंने देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर रोज मेरी जो वीडियो आती है वो सारी की सारी एजुकेशन से रिलेटेड है, सैनिक स्कूल से रिलेटेड है, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड है। और अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, 1 साल के लिए अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि जल्दी कीजिए, क्योंकि ये जून का महीना है जो कि निकलने वाला है। तो जो भी एडमिशन्स वगैरह होती हैं वो अप्रैल, मई, जून इन्हीं महीनों में होती हैं, क्योंकि इसके बाद सारे साल वाले बच्चे आ जाते हैं। और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है एजुकेशन से रिलेटेड, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं नीचे उसका रिप्लाई करूंगा, वीडियो में आपका नाम लूंगा, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं मैं वो भी बताऊंगा, आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, और अच्छा, जितना अच्छा क्वेश्चन होगा दोस्तों मेरा आंसर भी उतना ही अच्छा होगा, और वो किसी भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी बाहर घूम कर आए हैं, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं 15 दिन यूरोप में लगा के आया हूँ, तो मैं पहले भी जा चुका हूँ। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यूरोप में एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर का एजुकेशन सिस्टम जानना चाहते हैं, बाहर का जो पूरा प्रोसेस है एजुकेशन का अगर आप लोग वो जानना चाहते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है 888-303-0 888-303-0201 पे कॉल करें, हमारी जो टीम है वो आपको गाइड करेगी, वो आपको हेल्प करेगी जो पूरा प्रोसेस है। और एक बार जरूर हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हमारे साथ ग्रो करें, जिस तरीके से हमारा स्कूल जो है, हमारा यूट्यूब चैनल है, ग्रो कर रहा है, इस तरीके से आप भी हमारे साथ छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप हमारे साथ ग्रो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।